है, कल कल करो, एक महीना बाद कल करो, आप समझ ही पा रहे सर। तो बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं बोला इस तरीके से मेरा एक अकाउंट पर 3,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इस कारण से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, अनफ्रीज फ्रीज हो गया। तो मैम ने बोला एक काम करो, और मैम को सब कुछ मतलब एकदम खुले में बताया कि क्या हुआ, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम खुले में बताया। तो मैम सब कुछ समझने के बाद बोला, और सर मैं एक दुकान चलाता हूँ जहाँ पर पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, हमारा गाँव पे बैंक नहीं है। तो मैम को सब कुछ बताया, बताने के बाद बोला कि जिस कंप्लेंट के लिए अकाउंट हुआ तो उस कंप्लेंट का पेमेंट रिफंड करो, रिफंड करने के बाद जिसने कंप्लेंट किया उसको बोलो कि मैसूर सिटी पर आके अपना केस उड्र करे, खुद आकर और नोटिस लिख के जाए, बाद में हम इस केस को उड्र करके आपका ये जो केस है वो उड्र करेंगे और एनओसी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं बोला ठीक है मैम। तो मैम जिस तरीके से बोला, पेमेंट उसका रिफंड किया, 3,000 रुपया था, 3,000 रिफंड करने के बाद उसको मैं अपना पेट्रोल का खर्चा दिया, गाड़ी जो होता है वो खुद गया, जाने के बाद खुद एप्लीकेशन लिख के आया कि मैं एक पैसा मिल गया तो एक मैं केस को उड्र करता हूँ, ऐसा ऐसा बोल लिख के आया। मैम ने जिस तरीके से बोला, मैम ने भी हेल्प की काफी। तो करने के बाद उसने तो उड्र कर दिया, तो मैं मैम को प्रूफ दिया कि मैम जी के मैं उसका पेमेंट रिफंड कर दिया, अभी मेरा अकाउंट अनफ्रीज करने में हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैम भी बहुत अच्छा था सर। तो उन्होंने मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट लिया, कंप्लेन आईडी बहुत कुछ लिया था, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ मैं दिया, काफी 2 महीने टाइम लग गया था उसमें। तो लेने के बाद एनओसी फाइनली मुझे प्रोवाइड किया, मेरा बैंक पर भी मेल करके नोटिस भेज दिया, लेकिन अभी तक सर मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है। कंप्लेंट का कांटेक्ट डिटेल कहां से मिला था आपको? किसने दिया था? कंप्लेंट डिटेल सर मैं बैंक विजिट किया था, मतलब कि पहले तो क्या तो हुआ बैंक कि से ही आपको मतलब कि कंप्लेंट का डिटेल दिया गया था? किसने हाँ कंप्लेंट? कंप्लेन आईडी नहीं, कंप्लेंट बैंक से नहीं दिया गया सर पहले। सर देखिए मुझे तो ये सब के बारे में पता ही नहीं कि बैंक अनफ्रीज होता है, मैं तो दुकान चलाता हूँ, तो मेरा इधर लोग बहुत सारे पैसा मंगवाता है बाहर से, मतलब कि पैसा ट्रांजेक्शन का। तो मैं बैंक गया, जाने के बाद बोला, मैं बोला कि सर मेरा अकाउंट किस तरीके से क्यों हो रहा है, पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा आ रहा है। उन्होंने बोला कि देखिए आपका अकाउंट फ्रीज किया गया। तो उन्होंने मुझे बस मैसूर सिटी का एसपी का कांटेक्ट नंबर दिया, पुलिस स्टेशन का, बोला कि वही पर कांटेक्ट कीजिए। तो मैं वही पर कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि उन्होंने बोला कि एक काम करो, बैंक के जाकर बोलो कंप्लेन आईडी देने के लिए। लेकिन मैं बैंक का मैनेजर मुझे हेल्प नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि कल आओ परसों, मतलब दे नहीं रहा था। तो मैं मैम को बोला कि मैम देखिए बैंक का जो मैनेजर वो तो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे दे नहीं रहा है कंप्लेन आईडी। तो मैम ने बोला कि एक काम करो, तुम जाओ जाके कॉल करना मुझे, मैं मैनेजर का बोलूंगा। तो मैं पहले बोला, उन्होंने मना कर दिया। तो बाद में मैं मैम को बोला, मैम ने कॉल पे रहा, मैम ने खुद मैनेजर को कॉल करके बोला कि इसका अकाउंट इस तरह का हुआ तो आप प्रोवाइड कीजिए, जो क्या क्या दिया, एक कंप्लेन आईडी दिया, एक मेल दिया और एक नंबर दिया सर। हाँ वो मैं प्रोवाइड किया मैम को। तो सर अभी बताइए ना क्या करना चाहिए मुझे, बहुत तो परेशान हूँ सर। एनओसी आपको दिया है तो कैसा एनओसी दिया आप मेरे को जरा भेजो, असली है नकली है? मैं आर्टिकल 9 पर रिएक्शन में आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ एक बार। देख लेता हूँ। ठीक है सर, व्हाट्सएप पर हाई भेजा मैं, देखिए देखो 1 मिनट में नेक्स्ट ऑन कर रहा हूँ। मैं भेज दिया एक बार, प्लीज एक बार चेक करके देख लीजिए। 1 मिनट लाइन पे रहो, मैं अपना नेट ऑन कर रहा हूँ। नेट ऑफ है ना मेरा इस वजह सर मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है सर, बैंक फ्रीज होता है, बैंक बोलने के बाद मुझे पता चला, और इधर उधर थोड़ा बात किया तो पता लगाया, और मैम ने भी सब कुछ बोला कि सर कैसे फ्रीज हुआ आपका अकाउंट। नहीं होगा वो फ्रॉड का पैसा आने की वजह से फ्रीज होता है। ठीक है, ये तो एनओसी आपको दिया है तो फिर बैंक का क्या कहना है अभी? सर देखिए मैं क्या बताऊँ, बैंक मतलब कि मेरा जो ब्रांच है ना, मेरा घर से लगभग 120 किलोमीटर, मेरा गांव तो बैंक नहीं है। तो मैं गया मैनेजर को कि सर देखिए मैडम ने तो बोला एनओसी भेज दिया, तो उन्होंने बोल रखी कि देखिए उसमें हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हम तो बस मैनेजर के रूप में बैठा हूँ। दिल्ली एक मेन हेडक्वार्टर हेड होता है, वही पर जहाँ से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया, वो अगर मेल वही पर भेजेगा तो वही से आपका अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं समझ गया। ठीक है, देखो ये एनओसी आपको है तो बैंक नहीं है, पुलिस वालों ने एनओसी आपको दिया या डायरेक्ट बैंक को भेजा? नहीं है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को? नहीं मुझे तो भेज दिया, लेकिन मैम ने मतलब बैंक का कांटेक्ट नंबर मांगा था, बैंक का कांटेक्ट नंबर दिया मैं, कांटेक्ट हाँ नंबर पर मैम ने बोला भेज दिया। तो मैम ने बोला देखो मैं तो भेज दिया, लेकिन उसमें अनफ्रीज नहीं होने का क्या कारण हो सकता है।
कल बात किया मैम से, मैम ने बोला कि एक दिन वेट करो, मतलब कि कर्नाटक का मैडम वही पर मतलब पुलिस में, तो उन्होंने बोला। तो वो हिंदी में बात कर लेते हैं आपसे? हाँ, नहीं अरे हिंदी नहीं, क्या बोलूँ सर आपको मैं, मतलब 4 महीने तक मैं भटकते रहा, बात कॉल करता हूँ तो मतलब कि तमिल बोलता बोलता है, तो आपको तो पता है वही पर मतलब हाँ हिंदी कोई नहीं, कन्नड़। हाँ हिंदी नहीं बोल पाता है मतलब ये, और इंग्लिश बोलता है, तो मुझे तो सर इंग्लिश नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ क्या पता हूँ आपको। अच्छा परेशान। देखो तो इसमें ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आपको जो मतलब क्या कहते हैं अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है, वैसे बैंक तो नहीं होगा ना आपका, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है तो जो पोस्ट ऑफिस होता है उसी का ब्रांच मैनेजर होगा ना, हाँ जहाँ सर। तो उनको क्या कहते हैं, उनको जो मेल आया था अकाउंट फ्रीज करने का वो कहाँ से आया हुआ था? सर वो तो कर्नाटक से, मैसूर सिटी से। अच्छा मैसूर सिटी से आया था ना, तो आप ना उनको बैंक वालों को बोलो कि अकाउंट अनफ्रीज दिल्ली से होता है या कहीं से भी होता है, तो जो आपका हेड ऑफिस है या नोडल ऑफिसर है उसका जी मेल आईडी आप मेरे को दे दो, जहाँ पे कि एनओसी भिजवाना है पुलिस से, जिससे जी कि मैं वो पुलिस वालों को मेल आईडी दूं और वो एनओसी उस अकाउंट मेल आईडी पे भेज दें। तो वो मांगा नहीं आपने अपने बैंक से, वो ब्रांच मैनेजर से? पहले तो एक मेल दिया तो उस मेल पर मैम ने भेज दिया, ठीक है सर। मैं और एक दिन बैंक मतलब बहुत परेशान था, और एक दिन बैंक गया, जाने के बाद उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं बोला कि आप सर परेशान नहीं, देखो इसमें ना मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि बस इसमें काम वही है कि अपने को एक मेल आईडी चाहिए जो पेमेंट बैंक का है, जो कि अकाउंट खोलता या फ्रीज करता है उनको मेल चला जाएगा तो अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है? अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ तो वो रहा मेल सर। आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ देख के, ठीक है? जी सर, और क्या कह रहे सर हो आप मेरे को, मैं वो मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अकाउंट में क्या पैसा ज़्यादा फंसा हुआ है? यार क्या बताओ, मेरे माँ का नाम का लोन लिया है, लोन का पैसा अच्छा दो। आपको ना मेरे को, मैं देख ले लेता हूँ, मैं आपको ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ना मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि ओके पुलिस सर, वाले ने, उनको भी नहीं पता होगा ना कि किस मेल आईडी पे मेल करना है। वो तो सर पता नहीं, मैम ने तो बोला भेज दिया सर। और एक बात मेरा, एक भेज देता हूँ, मुझे ना मतलब कि बैंक से एक मेल आया था, क्या मेल आया वो था? देख लीजिए ना सर। मैं भी मतलब इतना वो नहीं सर, समझ भी नहीं आता है। अच्छा मैं देखता हूँ क्या है, रुको एक मिनट, काइंडली विजिट द नियरेस्ट। ये तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, तो ये जिस मेल आईडी से आया है ना, इस मेल आईडी पे आपने मेल नहीं किया? मैं तो इतना वो नहीं जानता मैं सर, मेरी यो को वो नोट मैसेज ऑन द अकाउंट एनएससी से रिक्वेस्ट टू रिमूव द डेबिट फ्रीज कॉन्टेक्ट फ्रॉम टू एफसीओ फॉरवर्ड फ्रॉम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जैन, तो फ्रॉम जैंतो टू कॉन्टेक्ट आईबीपीए रिक्वेस्ट, ये आप ही ने भेजा है क्या, रिक्वेस्ट टू रिमूव द डेबिट फ्रीज फ्रॉम द अकाउंट नंबर? हाँ सर, मैं मतलब कि मेरा दोस्त ने बोला कि ये ऐसे भेज दे, तो मैं भेज दिया, क्योंकि फ्रीज नहीं, अनफ्रीज नहीं हो रहा था, तो मैं इस मेल पर मेल किया, लेकिन रिप्लाई के थ्रू ये आया। इसमें तो वही लिखा है ना कि काइंडली विजिट द नियरेस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच फॉर नेसेसरी एक्शन। अभी क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं आपको हेल्प करता हूँ इसमें क्या करना है, क्योंकि सारा कुछ तो हो गया उसके बाद भी आप परेशान हो, मैं हेल्प हाँ करता हूँ आपको, मैं देखता हूँ। सर, इधर कॉल कर तो बहुत सारे लोगों के पास कॉल भी करता हो, कर भी रहा हो, लेकिन कोई सर हेल्प नहीं क्या कर रहा है। कोई पैसा मांग रहा है क्या हेल्प करने के लिए? पैसा तो सर क्या बताओ, एक सर को बोला हो, सर बोल रहा है मेरा अकाउंट अनफ्रीज होने के पहले मतलब कि नोटिस मिलने से पहले बोल रहा है 25,000 मेरा खर्चा और 15,000 इधर उधर का। मैं बोला सर मेरा इतना, मैं इतना जमीन नहीं सर, मैं तो सर गरीब तो आदमी, अभी क्या किसी को बताऊँ। दिया है पैसा आपने? अच्छा नहीं सर, कोई बात नहीं, काम तो आपका लगभग लगभग भगवान की दया से हो गया है, बस वही है कि सही मेल आईडी पे मेल नहीं गया जिसकी वजह से आप परेशान हो, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, परेशान नहीं हो, और क्या बता कीजिए सर, बहुत अच्छा होगा बात सर, कोई नहीं कर रहा है सर हेल्प। मैं हेल्प कर देता हूँ। अभी बैंक अकाउंट फ्रीज है, आपको भी बैंगलोर पुलिस के द्वारा कोई नोटिस आया है, आपको भी बैंगलोर पुलिस के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज है, या आपको कोर्ट से कोई नोटिस आया है बैंगलोर से, और या किसी भी वजह से आपने पी टू पी किया, गेमिंग ऐप खेला, या किसी तरीके से फ्रॉड तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आ गए, किसी ने आपके अकाउंट में फ्रॉड पैसे मंगवा लिए हैं और अब आपको नोटिस आ रहा है, आप अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहते हैं, क्या होगा नहीं होगा सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्प के लिए जो भी आपका मैटर है, नोटिस है, व्हाट्सएप करें और हेल्प लें।